हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं रीसेंट टैब की 7 सीक्रेट सेटिंग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूं, आप रीसेंट टैब की मदद करके आप 7 तरीके 7 ट्रिक सीख रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलो फ्रेंड इधर उधर की बात खत्म करके सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स, ये देखो मैं आपको रिकॉर्ड करके कंप्लीट सब कुछ दिखा रहा हूँ। जब हम क्या करते हैं, रीसेंट टैब दबाते हैं ना, तो हमारे पास जो हमारे पहले के ऐप खुले रहते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, हम काम करते रहते हैं, अचानक कोई आ जाता है, जहाँ कोई हमारे फोन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, तो जब कोई आ जाता है, हम डायरेक्ट से बीच वाला बटन दबा के कहीं पे होते हैं, मान लो हम कहीं इस वॉल पेपर पे हैं। कई बार कोई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बीच वाला बटन दबा के बाहर आ जाते हैं और उसके हाथ में कहीं फोन लग जाता है, वो रिसेंट टैब दबाता है तो उसको पता चल जाता है आप कौन सी साइड पे थे, कौन सी वेबसाइट खुली हुई है, आप क्या देख रहे थे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मैं एक सेटिंग बताता हूँ, वो किसी को पता भी नहीं चलने वाला आप कौन सी उस पे थे। इसका एक ब्लर, आपके फोन में एक ब्लर ना का एक ऑप्शन रहता है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपने रिसेंट टैब दबाना है। रिसेंट टैब दबाने के बाद, जैसे ये मैं यूट्यूब का करके दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये तीसरा नंबर का एक आइकन रहता है, इसको हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये सीधा अपना ऐप इन्फो पे ले जाएगा, जो मैंने पहले वाली वीडियो पे दिखाया हुआ है। उसके नीचे रहता है ब्लू ब्लर ऐप रिव्यूज, तो इसको हमने क्या कर देना है, जहां से ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाता हूँ दोबारा रिसेंट ऐप पे दिखाएंगे। जो हमारा ये देखो यूट्यूब, देखो बाकी सारा क्लियर कट दिखा रहा है, लेकिन यूट्यूब मतलब कि ब्लर दिखा रहा है। किसी को जो चीज हम देखते हैं, मतलब कई बार गूगल पे कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ ऐसा वैसा देखते हैं, या इसको आप सभी पे भी लगा सकते हो, एक एक करके कस्टमाइज करके किसी पार्टिकुलर एक पे भी लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ये तो है कि एक सेटिंग। अभी दूसरी सेकंड की बात करूंगा, दूसरी सेटिंग की बात करूंगा फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, अभी हम कई बार ऐसा होता है, अभी हम व्हाट्सएप चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप चलाने के बाद हमें क्या होता है, अभी हमें यूट्यूब चलाना पड़ता है, फिर हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, फिर किसी का मैसेज आता है, हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, यूट्यूब को बंद करते हैं। YouTube को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हमें फिर WhatsApp पे जाते हैं। तो ऐसा करने से बार बार हमें मतलब रीसेंट टैब दबा के ना हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। अभी यहीं से आप दो बार डबल टैब दबाओगे तो आप WhatsApp YouTube पे चले जाओगे, दो बार टैब दबाओगे तो आप WhatsApp पे चले जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, है ना कमाल की ट्रिक। इसमें आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, मान लो आप गूगल चला रहे हो, अभी आपने यूट्यूब पे जाना है, अभी आप डबल बार टैब दबाओगे तो आप पहले मैं WhatsApp पे था तो WhatsApp पे आ जाएगा। तो अभी देखो मैं इसके बाद क्या करता हूँ, YouTube चलाता हूँ, YouTube चलाने के बाद मैं क्या करता हूँ, Google खोल लेता हूँ। अभी हम Google चलाते चलाते क्या करना है, इसके रिलेटेड हमें Google से नॉलेज नहीं मिल रही, तो हमने क्या करना है, हमने YouTube पे जाना है। तो इसको रिसेंट टैब को दो बार टैप कर देंगे हम, तो हम YouTube पे चले गए, है ना फ्रेंड्स, कमाल की ट्रिक। चलो फ्रेंड एक और तरीका बताता हूँ, एक और कमाल की ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ अभी मैं। क्या होता है, स्प्लिट स्क्रीन होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमें WhatsApp पे चैट कर रहे होते हैं कभी किसी से, हो सकता है उसका मैसेज आने में अभी मिनट लग रहा है, 30 सेकंड में वो करता है, तो उस टाइम हम देखते हैं हमारा टाइम पास हो जाए यार, हम YouTube देख लेते हैं, YouTube में वीडियो प्ले करते तो WhatsApp का मैसेज आ जाता है, वही कंडीशन होती है, बार बार हमें वो करना पड़ता है। अभी इसमें एक रिसेंट टाइम एक ऑप्शन दिया गया है स्प्लिट स्क्रीन का, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी है क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, मतलब कि YouTube को हमने दबा के रखना है, जो बराबर वाला आइकन है तो इसको हमने प्रेस कर देना है, तो एक स्प्लिट स्क्रीन होगी, मैं आधी स्क्रीन होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक WhatsApp भी चलाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, हम WhatsApp भी चलाते रहेंगे, WhatsApp में हम बैग जाके किसी और को मैसेज भेजना तो उसको भी भेजते रहेंगे, और YouTube से हमने कुछ प्ले करना है तो वो भी हम करते रहेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं किसी की एक की वीडियो चला के दिखाता हूँ, जैसे ये चलानी है, ये देखो ये वीडियो भी चल रही है, साथ साथ में हम यहीं से मैसेज भेजते रहेंगे, हाँ जी कौन जी कुछ भी आप वो करते रहो, देखो है ना फ्रेंड्स कमाल की। इसके बाद अगर हमने दोबारा इसको क्या करना है, बंद करना है, सिर्फ WhatsApp ही चलाना है, YouTube हमारे देख लिया, YouTube ही चलाना है, तो हमने क्या करना है, एक को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो ये देखो ये फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट ये हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, है ना कमाल की ट्रिक। तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, मैं लॉक रिसेंट। कई बार हम क्या करते हैं, मतलब रिसेंट में कुछ खुला होता है, बीच वाला काटी दबाते हैं तो पूरा आउट हो जाता है। हम क्या करते हैं, रिसेंट टाइम में हमारा एक ऑप्शन को हम रखना चाहते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, ये देखो जहां से मैं 2-3 चीजें खोल लेता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी कैसे क्या होता है। YouTube खोल लिया, इसको मैंने बैक आ गया हूँ,
तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, प्ले स्टोर खोलिए, इसको बैक आ गया हूं। अभी हम चाहते हैं भी हमारा जो व्हाट्सएप है वो बचावा बटन दबाने से कटे ना, मतलब कि इधर ही रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ऊपर लॉक का आइकन है, इसको हम लॉक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब अगर रिसेंट टाइम पे जाके हमने सब कुछ हटा दिया लेकिन रिसेंट टाइम में हमारा व्हाट्सएप रहेगी, हम कितनी ऑफ कर दिए लेकिन वो वहां पे हमें रहने वाला ही है। अगर हम इसको हटाना है फ्रेंड्स वो ही करना पड़ेगा, इसके लिए लॉन्ग प्रेस करना है, तो इधर अनलॉक का आइकन है तो उसको दबा देना है, तो ये अनलॉक हो जाएगा। सॉरी, तो अगले फंक्शन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, वन हैंड मोड। कई बार फ्रेंड्स हम क्या करते हैं भी, या लेडीज क्या होती है, खाना वाना बना रही होती है, एक एक हाथ में उसको फोन चाहिए होता है, वो एक हाथ से वन हैंड मोड का ऑप्शन रहता है एक फोन में, वो स्क्रीन छोटी होकर हमारे दाहिनी साइड या राइट साइड में आ जाती है, तो उससे हम इजीली मतलब अपना काम कर सकते हैं छोटी स्क्रीन में, मतलब एक हाथ की मदद से। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जाना है अपनी सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद हमें क्या, नीचे जाना है एडिशनल सेटिंग पे। ये एडिशनल सेटिंग पे चले गए हैं, उसके बाद फ्रेंड्स जहां पे रहता है वन हैंड मोड, इसको क्या कर देना है, हमने ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ये ऑफ रहता है, इसको हम ओके कर देना है। ये फ्रेंड्स डेमो के तौर पे भी दिखा रहे थे किसको कैसे करेंगे तो किधर आ जाएगा, तो वो ही आप सेम वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैं चिंता करने की बात नहीं। जहां से हम इसको ऑन कर देंगे तो जहां स्क्रीन का साइज है आप 3.5 भी कर सकते हो, 4.5 भी कर सकते हो, मैं एवरेज ले रहा हूँ, 4 पॉइंट की एवरेज ले रहा हूँ, बीच का रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये करते कैसे हैं, जैसे देखो मैं चलता है, चलते चलते इसको मैं कम करना है तो मैं बीच वाला बटन दबाऊंगा, इसको राइट साइड में ले आऊंगा तो छोटी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जहां से आप कोई भी चीज खोलो, कुछ भी करते रहो, जैसे आप फोन चलाते थे वैसे हो जाएगा। अगर इसको हमने लेफ्ट साइड में लेके आना है तो जो बीच वाला होम बटन है इसको रिसेंट टाइप की तरफ लेके आएंगे तो ये मतलब के लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और रिसेंट टाइप को हमने मतलब बैक वाई बटन पे लेके आए तो इस साइड हो जाएगा। अगर इसको हम फुल करना चाहते तो ऊपर से हम इसको ऊपर खींच लेंगे, मतलब कि दाहिनी की साइड ऊपर खींच लेंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगली सेटिंग की बात करता हूँ फ्रेंड्स, छठी सेटिंग है सेट वॉलपेपर। फ्रेंड्स अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कौन सा कैसा वॉलपेपर लगा हुआ है, आप रिसेंट टाइप की मदद से डायरेक्टली मतलब कि वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं फ्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ, आपने क्या करना है, रिसेंट टाइप को आपने दबा के रखना है। जैसे दबा के रखेंगे तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप मेरी लेफ्ट साइड में एक वॉलपेपर का ऑप्शन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने दबाना है तो जहां से ढेर सारे वॉलपेपर खुल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने कोई भी जैसे बलून वाला वॉलपेपर है मैंने इसको सेट करना है, इसको मैंने ओके करूंगा। ओके करने के बाद जहां पे मैंने इसको अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई करने के बाद जहां ऑप्शन आता है भी इसको हम लॉक स्क्रीन में सेट करना चाहते हैं, सेट टू होम स्क्रीन पे करना चाहते हैं, दोनों साइड सेट बोथ दोनों साइड ही सेट करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम होम स्क्रीन में सेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेट करने के बाद ये देखो ये सक्सेस हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है, ये देखो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं एक और ला के दिखाता हूँ, बहुत कमाल की ट्रिक है फ्रेंड्स ये, आप बड़ी इजीली यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे ये वाटरफॉल का मैंने क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा है इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसमें वीडियो का रहता है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये वाला वॉलपेपर लगा के दिखाता हूँ। इसको हमने क्या करना है, जहां पे हाँ जी वीडियो वाला है, मैं आपको एक छोटा ला के दिखाता हूँ, हमने दोबारा जाता हूँ मैं आपको, जहां पे हमने क्या करना है, वॉलपेपर पे जाना है। वॉलपेपर पे जाने के बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, जहां पे एक फोटो ले लेनी है इसको, ये देखो ये ले लिया, इसको हमने सेट करना है, तो ये मैंने सेट बोथ पे कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं दोबारा बैक आता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स हमारा जे जहां से वॉलपेपर चेंज हो गया। रिसेंट टाइप से फ्रेंड्स एक और है भी, यहां से आप रिंगटोन भी सेट कर सकते हो। रिसेंट टाइप को दबा के रखना है, वॉलपेपर पे जाना है, वॉलपेपर के जाने के बाद जहां वॉलपेपर लिखा हुआ वहां पे आप रिंगटोन पे जाओगे। रिंगटोन पे जाने के बाद फ्रेंड्स जहां पे ढेर सारी रिंगटोन होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आप कहीं से भी कोई भी, जैसे आप हिंदू धर्म ना रिलेटिव हो तो जहां से देखो हनुमान चालीसा की रहती है, मतलब को ढेर सारी मिल जाती है। इसको आप यहीं से क्या करना है, जैसे हनुमान चालीसा की, इसको हमने क्या करना है, ओके कर देना है। जहां ये रिंगटोन पे ओके करेंगे, जहां रिंगटोन पे ये डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी रिंगटोन पे सेट हो जाएगी। तो इसमें एक और ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स फॉन्ट का, अगर हमारे फोन में हमारा
फोन के फॉन्ट हमने चेंज करना चाहते हैं तो जहां से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जहां से हम कोई भी फॉन्ट ले लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, जहां से अप्लाई कर देंगे, तो ये कैन नॉट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, थोड़ी नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा कम हो रहा है तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स अभी लास्ट की सेटिंग के बारे में बात करूंगा, क्विक वॉल सेटिंग। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे जो रिसेंट टैब होम पे होम जो बटन है या बैक बटन हमारा काम करना ही छोड़ देता है, उस टाइम क्या करते हैं हम बड़ी चिंता में आ जाते हैं, अभी क्या करें, अभी कैसे होगा। तो आप ये तीनों बटन अगर आपके काम करने छोड़ भी दें ना, तब भी आप अपने फोन में बैक जा सकते हो, होम स्क्रीन पे आ सकते हो, रिसेंट टैब में जा सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, वही जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद हमने थोड़ा एडिशनल सेटिंग में जाना है, तो जहां पे एक ऑप्शन रहता है क्विक वॉल का, क्विक वॉल के ऑप्शन को हमने क्या कर देना है, जो ऑफ रहता है ऐसे करके, तो जहां से हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम कुछ सेलेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं, हमें इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो मेन तो इसमें डिफॉल्ट रहते हैं वही सही रहते हैं। तो इसके बाद काम कैसे करता है अभी देखो फ्रेंड, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ना तो मैं रिसेंट टैब दबाऊंगा, ना होम बट होम टैब दबाऊंगा, ना बैक वाला। अभी कैसे मैं आगे पीछे जाऊंगा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जी देखो, मैं अभी गैलरी में चला गया, अभी गैलरी में वापस कैसे जाऊंगा, तो मैं ये देखो ये ऊपर बात आ रही है, देखो मैं वापस आ गया। ठीक है, अभी मैं रिसेंट में कैसे जाऊंगा, ये देखो ये मेरे खुले हुए थे, मैं रिसेंट में आ गया। उसके बाद इसी दबाना है, हमें लॉक स्क्रीन करनी है तो हम लॉक स्क्रीन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद इसमें एक और रहता है स्क्रीनशॉट का, अगर इसमें हम स्क्रीनशॉट दबा देंगे तो ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये एक जैसे आईफोन में रहता है ना एक बेल बॉल जैसा, ये बॉल जैसा रहता है, इधर आप इसको थोड़ा सपा भी सकते हो इधर से, अगर थोड़ा सा इसको आप खींचोगे ना ये यहाँ से, ये देखो फ्रेंड्स ये फिर आ गया। इसको आप थोड़ा सा हाइड करके भी रख सकते हो और सीधा भी रख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करना फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।